हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? डूइंग वेल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैक्लो वायरसेस के बारे में। ये जो बैक्लो वायरसेस हैं इसके बारे में आप जानोगे, हमारे एनसीईआरटी 12 के एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हम जो माइक्रोब्स के लिए कॉमन परसेप्शन बना लेते हैं कि माइक्रोब्स आर ऑलवेज हार्मफुल टू अस, ऐसा सही नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये चैप्टर क्वाइट इंटरेस्टिंग है और इसमें एक टॉपिक है कि माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स कैसे यूज किए जाते हैं। हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ या इंसेक्ट्स की तरफ हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए किस तरह से यूज कर पाएंगे, वो टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स। और वहां पे एक वायरस का नाम दिया हुआ है, दैट वायरस इज कॉल्ड एज बैक्लो वायरसेस। ये जो बैक्लो वायरसेस होते हैं ये बड़े स्पेसिफिक हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जीनस से ये बिलोंग करते हैं और इनका काम ये होता है कि इनको हम सर्टेन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट यूज करते हैं। ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। इनको एज ए बायो कंट्रोल एजेंट हम कहाँ यूज कर रहे हैं? इनको हम एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हैं टू किल द कैटरपिलर लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई, टू किल द आर्मी वर्म, इस तरह के दूसरे इंसेक्ट्स जो हमारे क्रॉप प्लांट्स के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, हम इन वायरसेस को उसके अगेंस्ट यूज करते हैं। अब आज इस वायरस का नाम मैंने क्यों आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया, क्या टॉपिक है हमारा? हमारा टॉपिक कुछ इस वायरस के साथ बड़ा क्वाइट इंटरेस्टिंग जुड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे तो अभी के दौर में मैं अगर सार्स कोव टू वैक्सीन की बात करूं तो सबसे ज्यादा हमारा पिछले 2020 से लेकर 2022 के बीच में सबसे ज्यादा अगर हमारा फोकस रहा है इन वैक्सीन्स और इनके यूटिलाइजेशन के ऊपर रहा है। इवन बहुत सारे कॉमन ऑब्जेक्शन आते रहे हैं जब से ये वैक्सीन अंडर ट्रायल आई है। अगर आप बॉटनी स्टूडेंट्स हो और आपको अच्छी तरह से पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तो वहां भी कॉमन एक टीम बनाई गई थी जो एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को हैंडल कर रही थी, क्योंकि कभी भी ह्यूमन जीनोम के साथ कुछ भी आप ट्रायल करना चाहोगे, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, यहाँ पे बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एथिकल इश्यूज आपके सामने आएंगे, लीगल इश्यूज आपके सामने आएंगे जो आपको हैंडल करना। सो इनफैक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के स्टार्टअप में ही एक अलग से ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बनाई गई थी जो इन चीजों का टेक केयर कर सके, ELSI, जिसका नाम हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द टीम विच इज गोइंग टू हैंडल विद द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। नाउ जब हमारी वैक्सीन हमारे ट्रायल में आई, हमारे यूज में आई, तो क्या क्या कॉमन ऑब्जेक्शन आ गए, विच इज नॉट द केस बट दैट वॉज द कॉमन ऑब्जेक्शन। नंबर वन, एज अ वैक्सीन हमारी बॉडी में या तो आरएनए नहीं तो डीएनए इंजेक्ट किया जा रहा है, विच इज गोइंग टू इंसर्ट इन टू आवर बॉडी सेल्स एंड काइंड ऑफ म्यूटेशन कैन अकर। दूसरा, अगर हमारी बॉडी में लाइक ह्यूमन बॉडी में जब ये वैक्सीन को इंजेक्ट किया जा रहा है लाइक डेल्टॉइड मसल्स, तो जब यहाँ पे इस वैक्सीन को इंजेक्ट किया गया तो हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी टिश्यू की जो सेल्स है लाइक मसल सेल्स, मास सेल्स या फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और इवन दूसरे बॉडी के सेल्स इसको पिकअप करेंगे एंड दो सेल्स आर गोइंग टू बी इवेंचुअली किल्ड बाय द इम्यून सिस्टम सेल्स बिकॉज दे हैव टू जनरेट इम्यून रेस्पॉन्स। सो दैट वॉज द ऑब्जेक्शन कि यहाँ पे हमारी बॉडी सेल्स किल हो रही है वाइल टेकिंग दिस वैक्सीन। एंड अनदर वेरी कॉमन ऑब्जेक्शन वॉज कि इन वैक्सीन्स को लाइक एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मॉडर्ना एटसेट्रा, जो भी वैक्सीन्स बनाई जा रही थी, इनकी जो टेक्नोलॉजी है या तो वो डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स होंगे नहीं तो वो एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन्स होंगे। इन वैक्सीन्स को बनाने के लिए यू बिलीव कि अबॉर्टेड ह्यूमन फिटल टिश्यू होता है जो फिटस अबॉर्शन के बाद जो अवेलेबल होते थे उनके ऊपर ये वैक्सीन बनाई जाती है। तो इस तरह से जो कॉमन ऑब्जेक्शन आ रहे थे एंड फाइनली एक और ऑब्जेक्शन आया कि जो हमारी एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है इसको बनाने के लिए चिंपैंजी का एडिनो वायरस यूज किया जा रहा है। अब चिंपैंजी का एडिनो वायरस एट ऑल हम अपनी बॉडी में क्यों चाहेंगे? हालांकि ऐसा नहीं कि चिंपैंजी का एडिनो वायरस पहली बार SARS-CoV-2 वैक्सीन बनाने में यूज हुआ है, पहले भी होता रहा है, बट ऑब्जेक्शन ये थे। Now, इन सारी बातों में हमारे पास कुछ कॉन्क्लूजन नहीं आ रहा। हम कैसे इन चीजों को बाईपास करें, कैसे एक एडवांस वैक्सीन लेकर आए जो इन सारी चीजों को बाईपास करे, ना तो वो अबॉर्टेड ह्यूमन टिश्यू फिटल टिश्यू को यूज करे, ना ही हमारे बॉडी में डीएनए या आरएनए इंजेक्ट हो। इनफैक्ट हमें जो डर था कि भाई हमारी बॉडी में जो स्पाइक प्रोटीन प्रोडक्शन चल रहा है कब तक चलेगा, कब स्टॉप होगा, वो भी हमारी प्रॉब्लम थी। इन सभी को बाईपास करने के लिए
बैकलो वायरसेस को यूज किया और नोवावैक्स वैक्सीन आई हमारे साथ। मुझे नोवावैक्स वैक्सीन बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं बैकलो वायरसेस का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन बनाई गई, किस तरह से बैकलो वायरसेस को यूज करके एक रिकॉम्बिनेंट वायरस बनाया गया, और किस तरह से इस वायरस को इसके अपने ही होस्ट सेल्स पे लाइक कैटरपिलर लार्वा ऑफ बटरफ्लाई या फिर आर्मी वर्म जो मौत होता है उसकी सेल्स के ऊपर इस वायरस का प्रॉपर इन्फेक्शन कराया गया, और इन सेल्स के ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के बाहर इन सेल्स के अंदर ये स्पाइक प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए गए। ये स्पाइक प्रोटीन जो हमारे सार्स-कोव-2 के स्पाइक प्रोटीन्स हैं और जिनको यूज करके हमारी वैक्सीन्स अपना काम करती है, इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स जनरेट करती है। किस तरह से इन नैनो पार्टिकल्स को बनाया गया और इन स्पाइक प्रोटीन्स का कलेक्शन करके फिर किस तरह से हमारी वैक्सीन डेवलप की गई, नोवावैक्स वैक्सीन, जिसके साथ क्या क्या एडवांटेज थे। इस वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में कोई डीएनए या आरएनए इंजेक्ट नहीं होने वाला। इस वैक्सीन को बनाने के लिए कोई भी अबॉर्टेड ह्यूमन फेटस नहीं यूज किया गया। इस वैक्सीन का हमारी बॉडी में क्या और कब तक स्पाइक प्रोटीन प्रोडक्शन का रेट होगा, ये भी बिल्कुल बाईपास कर दिया गया था इस वैक्सीन के थ्रू। ये वैक्सीन काफी डिफरेंट वैक्सीन थी और इसने किस तरह से इम्यून सिस्टम को जनरेट किया वो हमारा मैटर नहीं होगा, बट इस वैक्सीन को बनाने के लिए बैक्लो वायरसेस का कितना बेटर यूज हुआ है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड टू शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो दिस इज नोवावैक्स वैक्सीन एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज बैक्लोवायरसेस। बैक्लोवायरसेस बिलोंग्स टू द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि जो बैक्लोवायरसेस होते हैं ये बड़े ही स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब डायरेक्टली सीधे सीधे अपने टारगेट स्पीसीज के ऊपर अटैक करेंगे, और इंसेक्टिसाइडल होते हैं, इंसेक्ट्स को ये किल करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने इसका क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे इसका यूज किया है रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन टेक्नोलॉजी बनाने के। इसका ब्रांड नेम होगा नोवावैक्स, नोवार्टिस कंपनी ने इसको बनाया हुआ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इस वायरस का स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्क्राइब करूं तो अगर आप देखेंगे तो ये जो वायरस है इस वायरस में डीएनए इसका जीनोम होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे इसका जीनोम होगा, और ये जो वायरस है वो इनवेलप्ड वायरस होता है क्योंकि ये एनिमल वायरस है इसलिए डेफिनेटली इसके पास अपना इसका इनवेलप होगा। दूसरी तरफ हमने क्या किया, दूसरी तरफ हमने ये किया कि जो सार्स-कोव-2 वायरस का जीनोम है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसको हमने यूज किया और उसके सिर्फ और सिर्फ एक जीन के ऊपर फोकस किया। कौन से जीन के ऊपर फोकस किया, स्पाइक प्रोटीन जीन के ऊपर फोकस किया। हमने स्पाइक प्रोटीन जीन के ऊपर क्यों फोकस किया, क्योंकि यही प्रोटीन है जो इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में जाएगा और इसी प्रोटीन से हमारा इम्यून सिस्टम इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पर्टिकुलर जीन को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिया जिसका नाम है सीडीए। देन अगेन हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करके हम यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड जीनोम बना चुके हैं, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड जीनोम होगा ये होगा हमारा डबल स्ट्रैंडेड जीनोम जिसको हम बोलेंगे स्पाइक प्रोटीन जीनोम। अब दूसरी तरफ हमारे पास बैक्लो वायरस है। इन बैक्लो वायरसेस को हमने क्या किया, इन बैक्लो वायरसेस को यूज करके हमने अपना स्पाइक प्रोटीन जीनोम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और नाउ दिस वायरस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट बैक्लो वायरस। हमने अपने बैक्लो वायरस के अंदर स्पाइक प्रोटीन जीनोम को इंसर्ट कर दिया है और हमारा जो बैक्लो वायरस है अभी वो रिकॉम्बिनेंट कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस सेल को यूज करेंगे कैटरपिलर लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई एज वेल एज आर्मी वर्म मॉथ। इसकी जो स्पेसिफिक सेल है वो स्पेसिफिक सेल हम यूज कर रहे होंगे SF9 सेल्स। अब हमने SF9 सेल्स ही क्यों यूज किया, क्योंकि आपको पता है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, दे आर वेरी स्पेसिफिक। इवन अगर एक ह्यूमन वायरस है तो ह्यूमन बॉडी के किसी भी सेल को उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। SARS-CoV-2 को ही देख लो, SARS-CoV-2 ह्यूमन बॉडी में आता जरूर है लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर सेल्स में ही एंटर करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स होती हैं और जो GIT के सिस्टम के सेल्स होती हैं, जहां पे उसका अपना पर्टिकुलर रिसेप्टर बैठा होता है जिसको हम कहते हैं ACE2। लाइक दैट बैक्लोवायरसेस अगर यहाँ पे कैटरपिलर को इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, आर्मी वर्म को इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो उसके बॉडी के किसी भी सेल को इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगी।
जिस सेल को इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं उसका नाम है SF9 सेल्स। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एनिमल टिश्यू कल्चर में ले जाकर SF9 सेल्स का यहाँ पे कल्चर किया, और जब SF9 सेल्स का हमने कल्चर कर लिया तो यहाँ पे अपने रिकॉम्बिनेंट वायरस का इन्फेक्शन कॉज कराया, और जब हमने अपने रिकॉम्बिनेंट वायरस का इन्फेक्शन कॉज कराया तो वी नो दैट कि यहाँ पे क्या होगा कि वो उसके जीनोम के साथ जाके इंसर्ट होगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसके बाद उसका एमआरएनए बनेगा, उसके एमआरएनए का फर्दर राइबोसोम्स क्या करेंगे, राइबोसोम्स उसके प्रोटीन बनाएंगे, ये प्रोटीन क्या होंगी, ये प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन्स होंगी। नेक्स्ट केस में हमने आइसोलेशन किया स्पाइक प्रोटीन्स का, सिर्फ और सिर्फ स्पाइक प्रोटीन्स हमारे पास है, देन हमने उसका मॉडिफिकेशन किया। कैसे मॉडिफिकेशन किया, हम ये चाहते हैं कि इन स्पाइक प्रोटीन्स को जोड़ जोड़ के हम इनकी साइज सिमिलर टू SARS-CoV-2 वायरस बना लें। उसके लिए हमने यहाँ पे लिपिड के पार्टिकल्स लिए, लिपिड के पार्टिकल्स के ऊपर हमने अपने स्पाइक प्रोटीन्स को जोड़ना शुरू कर दिया, और स्पाइक प्रोटीन्स को जोड़ने के बाद हमने बिल्कुल वैसा ही पार्टिकल बना लिया, नैनो पार्टिकल, जिसकी साइज बिल्कुल ही SARS-CoV-2 के सिमिलर है, और इस तरह से हमारी वैक्सीन रेडी हो चुकी है, नोवावैक्स वैक्सीन। नाउ दिस वैक्सीन विल इंजेक्टेड इन टू द ह्यूमन बॉडी। अब जैसे ही हम इस वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर ना तो कोई मसल सेल पिक करने वाली है, ना कोई मास सेल्स पिक करने वाली है, ना ही फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स इसको पिक करने वाली है। इसको पिक करने के लिए डायरेक्टली इम्यून सिस्टम के सेल्स आए। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये हुआ कि अगर आप प्रीवियस वैक्सीन को देखो, लाइक एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर एज वेल एज मॉडर्न, तो वो जो वैक्सीन होती थी वो इटसेल्फ इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती थी। जब उन वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन वैक्सीन की एंट्री होती थी स्पेसिफिक सेल्स में, वहां पे वो वैक्सीन जाती थी, स्पाइक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती थी, फिर स्पाइक प्रोटीन्स बाहर आते थे और वहां पे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स जनरेट होता था। बट इन सारी चीजों को बाईपास कर दिया हमने, यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन्स को ही हमने क्या कर दिया, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी बनाया और ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद ये स्पाइक प्रोटीन्स डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स के पास जाएंगी और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। सो दिस इज हाउ द ब्यूटी ऑफ दिस वैक्सीन प्रोडक्शन, द नोवावैक्स। मैं नोवावैक्स के फेवर में नहीं हूं, मैं इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड यूज ऑफ द बैक्लोवायरसेस को कनेक्ट करना चाहता हूँ विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये चीज हमें पहले से ही बताई जाती थी कि जो बैक्लोवायरसेस होते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं, बट इतना गुड इसका यूज होगा, एक और यूज यहाँ पे हमने देखा। दिस इज ऑल फॉर दिस अबाउट बैक्लोवायरसेस। इस तरह से मैं छोटे मोटे टॉपिक्स के साथ आपके साथ फिर से मिलता रहूंगा। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डू कंटिन्यू विथ योर स्टडीज, कीप फोकस ऑन योर गोल। इस तरह से विश यू ऑल द बेस्ट।